साथियों, एक ऐसा बजट है जो देश में शहरीकरण से जुड़ी चुनौतियों को भी सीधे एड्रेस करता है। ये हमारे शहर ही जहां न्यू मिडिल क्लासेस और मिडिल क्लास की बड़ी संख्या में रहता है और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, स्टार्टअप्स हो, कोई भी क्षेत्र लीजिए, टीयर टू और टीयर थ्री शहरों का टैलेंट आज निखर कर सामने आ रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर भी शहरीकरण के, शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस के बहुत बड़े पक्षधर थे। बीते 7 सालों में देश के शहरों को आधुनिक बनाने पर जो जोर हमने दिया है, उसको इस बजट में नया आयाम दिया गया है। इसमें टाउन प्लानिंग, और जिसकी बहुत बड़ी सराहना हो रही है इन दिनों, टाउन प्लानिंग को री इमेजिन किया गया है और पुराने पड़े अर्बन बायलॉज में सुधार करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। शहरों के प्रदूषण के प्रति भी सरकार की संवेदनशीलता बजट में रिफ्लेक्ट होती है। इसके लिए शहरों में स्वच्छ और सुविधाजनक मास ट्रांजिट सिस्टम को सपोर्ट करने पर बल दिया गया है। क्लीन टेक, स्पेशल मोबिलिटी जोन्स और बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी भी ग्रीन ट्रांसपोर्ट को गति देगा। नेक्स्ट जनरेशन अर्बन प्लानर्स के लिए, उसके निर्माण के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। बेहतर घर, बेहतर रोड, बेहतर मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बेहतर स्कूल शहरों में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाएगा।